वेलकम बैक टू दिस सेशन। गुड इवनिंग टू ऑल। आशा करता हूँ कि आप घरों पर सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 करिकुलम और सिलेबस को, कि दोनों में क्या मेनली अंतर रहने वाला है, कि जो करिकुलम होता है क्या रहता है और जो सिलेबस होता है उसमें क्या अंतर रहने वाला है। ठीक है, तो जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो करिकुलम वर्सेस सिलेबस। ओके, जो भी आपका डाउट रहने वाला है आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिख देना, या वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो, लाइव क्लास के बाद में देख रहे हो, तो अपना जो भी डाउट आपका रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं ट्राई करूंगा उसको जो बहुत जल्दी से सॉल्व करने की। गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट करिकुलम वर्सेस सिलेबस। मायसेल्फ दिनेश कश्यप, NSTA कालीकट। यस, बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करिकुलम वर्सेस सिलेबस, हियर वी हैव सम इम्पोर्टेंट टर्म और हमें उनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहली जो टर्म है करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? देखिए, कोर्स होती है, कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब कुछ कोर्स रहने वाला है किसी स्टडी के रिलेटेड, किसी विषय वस्तु के अनुसार कुछ कोर्स होगा। और कौन ऑफर करता है? इंस्टीट्यूशन करता है। ओके, कौन ऑफर कर रहा है? इंस्टीट्यूशन कर रहा है। सिलेबस क्या होता है? आउटलाइन एंड टाइमलाइन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए, एक सिलेबस जब आप फॉलो करते हो तो उसमें एक टाइम लिमिट भी रहती है और एक आउटलाइन रहती है कि आपको इतना कवर करना है, जो आपने कवर करना है, जितना आपको पढ़ाना है वो होता है आपका आउटलाइन, और जिस टाइम में आपको वो करना है। जैसे हम ट्राई करते हैं कि हमारी क्लासेस ज्यादा लॉन्ग ना हो, 2 आवर्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो भी लेक्चर है मैं ट्राई करता हूँ 40 मिनट में या 1 घंटे में, 1 घंटा 10 मिनट तक मैं ट्राई करता हूँ कि उतने में हो जाए। तो वो क्या है? टाइमलाइन है, टाइम लिमिट है। ठीक, तो सिलेबस क्या होता है? आउटलाइन एंड टाइमलाइन ऑफ ए सब्जेक्ट। क्लियर? देखिए, मॉड्यूल। नाउ वी हैव मॉड्यूल। मॉड्यूल, व्हाट इज मॉड्यूल? ग्रुप ऑफ सिमिलर टॉपिक और लेसन ऑफ ए सिलेबस। देखिए, बहुत सारे सिमिलर जो टॉपिक होते हैं, जो बहुत सारे खंड होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जब उनको ऐड करते हैं, एक कॉन्क्रीट जो बनता है उसको बोलते हैं मॉड्यूल। ग्रुप ऑफ सिमिलर टॉपिक्स और लेसन ऑफ ए सिलेबस। ठीक, किसका पार्ट होता है? सिलेबस का पार्ट होता है। तो सारे लिंक हैं। ओके, और नेक्स्ट आता है यूनिट। यूनिट, व्हाट इज यूनिट? यूनिट, देखिए यूनिट क्या होता है? पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ ए मॉड्यूल। जो मॉड्यूल का हम डिवीजन करते हैं उसको इक्वल पार्ट्स में हम काटते हैं, इक्वल टाइम के हिसाब से जब उसको एनालाइज करते हैं, उसको देते हैं अलग डिवीजन में, उसको बोलते हैं यूनिट। ओके, अलॉटेड टू कंप्लीट विद इन स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखिए, टाइम के हिसाब से जो हमने कहा वही बात है। अभी आता है लेसन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो आपको सिखाना है यूनिट में से छोटा सा पार्ट, वो होता है लेसन, उसको बोलते हैं पार्ट। ओके, पार्ट हिंदी में पार्ट बोला जाता है। प्रिपेयर्ड फॉर एनालाइजिंग द सिलेबस। उसको क्यों हम प्रिपेयर करते हैं? एनालाइज करने के लिए। सिलेबस को एनालाइज करने के लिए लेसन को प्रिपेयर किया गया, मेक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव लेसन प्लान। देखिए, लेसन प्लान तो सभी जानते हैं, कोई ज्यादा अलग नहीं रहने वाला है। इट इज अ टीचर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन फ्रेंड। ये एक टीचर का फ्रेंड रहने वाला है जो डिटेल्ड देता है डिस्क्रिप्शन के अबाउट। डिस्क्रिप्शन क्या है? जो भी टॉपिक है आपका, टॉपिक आपने टेक किया है, जो भी आप पढ़ा रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, एक समराइज टाइप होता है। आपका हेल्प है, फ्रेंड है। ठीक है, ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन से आपको मिलता है, मतलब शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन से आपको ये मिलता है। ठीक है, फॉर एन इंडिविजुअल लेसन, प्रत्येक लेसन के लिए अलग होने वाला है। ओके, आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गया। करिकुलम क्या होता है? कोई ऑफर करता है इंस्टीट्यूट स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन इंस्टीट्यूट। ठीक है, सिलेबस क्या होता है? आउटलाइन एंड टाइमलाइन ऑफ ए सब्जेक्ट। मॉड्यूल, ग्रुप ऑफ सिमिलर टॉपिक और लेसन ऑफ ए सिलेबस। ओके, यूनिट, पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ ए मॉड्यूल, अलॉटेड टू कंप्लीट विद इन स्पेसिफिक ड्यूरेशन टाइम। टाइम में कुछ कंप्लीट करना होता है, लेसन आता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट, सबसे छोटा पार्ट है यूनिट का। ओके, इतना से याद रखो आप, सबसे छोटा पार्ट है किसका? यूनिट का। लेसन प्लान क्या होता है? इट इज ए टीचर डिटेल डिस्क्रिप्शन फ्रेंड। ये उतना ही रहने वाला है। अभी आते हैं हम करिकुलम में। देखिए, करिकुलम क्या होता है? जैसे इसका नाम शो कर रहा है, करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है कोई एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड। ओके, तो अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, इट इज ए फंडामेंटल फैक्टर। फंडामेंटल फैक्टर मतलब एजुकेशनल में यूज कर सकते। फंडामेंटल मतलब डेली लाइफ में यूज होता है, मतलब कि एक एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। फंडामेंटल मतलब कि भौतिकी सा भी बोल सकते हैं हम। इट इज अ फंडामेंटल फैक्टर ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम
एजुकेशनल प्रोग्राम में फॉलो होता है, कहाँ पे? स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट लेवल. इंस्टीट्यूट लेवल मतलब वोकेशनल कॉलेजेस भी आएंगे, एनएसटीआईज भी आएगी, आईटीआईज भी आएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आएंगे. ओके, सभी आने वाला है. रेफर टू टोटल एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट दैट अकर इन एजुकेशनल प्रोसेस. इसमें क्या आपका इंक्लूड होने वाला है, किस चीज को रेफर करेगा? जो भी टोटल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट का, जो भी उनको सिखाना है, पढ़ाना है, उनको नॉलेज देना है, वो सारा एजुकेशनल प्रोसेस में फॉलो किया जाता है. किसमें? करिकुलम में डेवलप किया जाता है. ओके, प्लैंड सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. आप जब आप पढ़ाओगे तो ये पूरी प्लानिंग करके दिया जाता है आपको. एक सिक्वेंस होगा टू एम फुलफिल द टीचर इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शन गोल. जो भी टीचर आपको सिखा रहा है, इंस्टीट्यूट सिखा रहा है, या जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, या जो भी आपको सिलेबस दिया गया है, करिकुलम दिया गया है किसी बॉडी के तहत या इंस्टीट्यूट के तहत, उन सब की जरूरतों को पूरा करता है एक सिक्वेंस के मैनर में. राइट, देखिए इसका निचोड़ क्या रहने वाला है करिकुलम का, ये है कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन. करिकुलम क्या होता है? कोर्स ऑफ स्टडी है और कहाँ से मिलता है? इंस्टीट्यूट हमें देता है या कोई एग्जामिनेशन बॉडी भी दे सकती है जो उस स्कीम को चला रही है. ठीक है, देखिए करिकुलम, इट कवर्स ऑल द एक्टिविटी एंड अरेंजमेंट मेड बाय द इंस्टीट्यूशन. इट सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब द गोल्स, प्लान्ड ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट, लर्निंग एक्टिविटी फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, प्लेस, टूल्स एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर. देखिए सब कुछ इसमें पूरा प्लान मिलेगा आपको, पूरा अरेंजमेंट कि आपको कहाँ पे क्लास टेक करना है, कहाँ पे प्रैक्टिकल देना है, इंस्टीट्यूट ही पूरा मेड करके देने वाला है आपको. ठीक है, इट इज ए सिस्टमैटिकल प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि कुछ आगे पीछे चलने वाला, नहीं, पूरा प्लान मैनर में चलने वाला है. ठीक है, जो भी आप डिस्क्राइब करोगे, सिखाओगे, जो भी आपके गोल ओरिएंटेड, जो भी आपकी प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट, जो भी पूरा एवरीथिंग जो भी आपका एजुकेशनल प्रोसेस में रहने वाला है, वो पूरा सिस्टमैटिक मैनर में चलेगा. हर चीज को फॉलो करेगा, हर चीज फॉलो करने वाला है. स्पेसिफिसिटी भी वो फॉलो करेगा, जैसे टाइम रेलिवेंट, प्लेस, टूल, रॉ मटेरियल, इवेल्युएशन प्रोसीजर भी. आप इवेल्युएशन कैसे करते हो, सबमेटिव में या फॉर्मेटिव में? टेस्ट कर रहे हो, असाइनमेंट दे रहे हो कि नहीं, पूरा इसमें रहता है, पूरा डिटेल रहने वाला है. किसमें? करिकुलम में. ओके, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. देखिए जो करिकुलम होता है, सबसे ब्रॉडर टर्म है, सबसे बाहरी टर्म है. करिकुलम के जो नीचे वर्क करता है वो सिलेबस होता है, सिलेबस के नीचे मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के नीचे यूनिट, यूनिट के नीचे लेसन, और जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है लेसन प्लान. देखिए लेसन प्लान जो होता है 40 मिनट का होता है, लेसन जो होता है 60 to 120 मिनट्स का रहता है जनरली. यूनिट जो होती है वीक्स में होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं वीक्स और मंथ में होते हैं, सिलेबस क्या होता है 6 मंथ का होता है, ईयर का होता है, करिकुलम क्या होता है एंटायर कोर्स से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो लेसन प्लान कितने टाइम का होता है, 40 मिनट का होता है जनरली. लेसन क्या होता है 60 to 120 मिनट का रहता है एक लेसन. यूनिट कितने में रहती है, आपकी वीक्स में रहती है यूनिट की, एक वीक में ये वाली यूनिट कवर करनी या नहीं करनी. मॉड्यूल क्या रहता है आपका, वीक्स से मंथ में रह सकता है. ओके, सिलेबस क्या करता है आपका, मंथ में रह सकता है, इयर्स में रह सकता है, मतलब कि सेमेस्टर के हिसाब से भी सिलेबस को आप कवर करवा सकते हो. ठीक है, करिकुलम क्या होता है, ब्रॉडर टर्म है, ये आपको बताएगी कि ये सब कुछ कैसे फॉलो करना है. ठीक है, कोई भी डाउट है तो निमी का बुक आप उठा के देख सकते हो, फ्रंट में लिखा होगा कि ये टॉपिक है, ये वाले प्रैक्टिकल और इसको इतना टाइम देना है. ठीक है, ऑडिट का जो है एडवांस डिप्लोमा इन आईटी नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर क्लाउड का जो चल रहा है IBM का, उसको आप देखो एक बार, उसका सिलेबस उठा के आप समझ जाओगे कि करिकुलम क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, मॉड्यूल, यूनिट, लेसन, लेसन प्लान, एवरीथिंग क्लियर फ्रॉम द, आपको उस चीज से सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, देखिए अभी आता है सिलेबस. सिलेबस क्या होता है, इट इज एन आउटलाइन एंड समरी ऑफ टॉपिक. देखिए क्या रहने वाली, समरी होती है और आउटलाइन होती है टॉपिक को, कि हमें कितना कवर करना है, कितना हमें उस पर सिखाना है, समरी मैनर में सिखाना है या हमें लेक्चर मेथड में सिखाना है, वो क्या रहता है, सिलेबस रहता है. ठीक है, टू बी कवर्ड एन एजुकेशन, एजुकेशन स्कीम में इसको आप फॉलो करते हो, ट्रेनिंग कोर्सेज में भी आप इसको फॉलो करते हो. और कहाँ से मिलने वाला है आपको, शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलता है. कहाँ से? शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलता है सिलेबस. ठीक है, इट इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ए पर्टिकुलर कोर्स. लिमिटेड रहने वाला है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. जैसे कोई टॉपिक रहता है कार एयर कंडीशनिंग का, तो अगर वो 1 वीक का ही टॉपिक है, सिलेबस है, तो उतना ही रहेगा. ऐसा नहीं कि उस पर आप 1 मंथ खर्च कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो. ओके, उसको आप 1 मंथ तक रनिंग में रख रहे हो, वैसा नहीं रहने वाला है. ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, पर्टिकुलर टाइम होगा, पर्टिकुलर कोर्स से ही टेक किया जाएगा. एक लिमिट रहती है कोर्स में. ओके, सॉरी, सिलेबस में.
देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिलेबस, देखिए जब सिलेबस बनता कैसे है, पहले हमने ये तो देख लिया कि कोर्स करिकुलम क्या रहने वाला है, करिकुलम क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है, हमें पता लग गया, ठीक है। बट अभी आता है फॉर्मेशन, बनता कैसे है सिलेबस, ठीक है। बिफोर फॉर्मिंग ऑफ एन सिलेबस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डिवाइडेड डिसाइडेड, ठीक है। देखिए जब भी कोई सिलेबस आप डिजाइन कर रहे हो, करिकुलम आप डिजाइन कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना ही पड़ेगा। देखिए जब तक आपको उद्देश्य ही पता नहीं है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा एम क्या है, मुझे गोल का ही नहीं पता, तब तक वो चीज नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है सिलेबस बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर हमारा लेसन प्लान अच्छा नहीं बनता है, हमारे ऑब्जेक्टिव अच्छे नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनेंगे भाई? आप एनालाइज करो, आप सिलेबस को बनाओ, जो भी आप पढ़ाना चाहते हो उस सिलेबस को आप खुद मेक करो। कैसे मेक करोगे? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करो। ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं? 5W+1H से। हर क्लास में हम बात करते हैं 5W+1H की। 5W यूज करो, जैसे आपका टॉपिक है जावा, जावा के बारे में टॉपिक है, तो जावा के बारे में 5W डालो, 1H डालो, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगी। व्हाट इज जावा, व्हाई वी आर यूजिंग जावा, व्हाट इज द यूज, विच टाइप ऑफ जावा नाउ इज रनिंग फॉर एग्जांपल। मतलब मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है जावा के बारे में, तो वैसा हो सकता है। जैसे पाइथन पे वर्क करो, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज द यूज ऑफ पाइथन, व्हाट आर द कोड यू आर यूज इन पाइथन, है ना, जैसे जो भी रहता है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं अगर आप 5W+1H डालते हो, ऐड करते हो किसमें, सिलेबस में। जब सिलेबस बनाते हो तो 5W+1H ऐड करो, तब आपका ऑब्जेक्टिव निकल के सामने आ जाता है, राइट। द मस्ट नो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। देखिए वो नॉलेज आपको वहां पे चूज करना है, पढ़ाना है, सिखाना है, जिसमें मस्ट नो, आपको एक्यूरेट ही नॉलेज देना है, शायद वाली बात नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग ए कोर्स और ए टॉपिक द प्लानर्स हैव टू डिसाइड ऑन द ऑब्जेक्टिव। देखिए जब भी आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, आपकी प्लानिंग कहाँ से होनी चाहिए शुरू? ऑब्जेक्टिव से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अनाउंस तो कर दिया कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम कार एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। बट आपको ऑब्जेक्टिव ही पता नहीं है तो आप क्या बताओगे, है ना? तो क्या बताने वाले, आप कुछ नहीं बताए, आप एक हास्य का पात्र बन जाओगे। हास्य का पात्र मतलब आप एक जोक बन जाओगे आपके ट्रेनिंग के लिए, अपने स्टाफ के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, ऑब्जेक्टिव अनाउंस करने हैं, 5W+1H ऐड करोगे तो आप उनसे पूछ सकते हो कि व्हाई वी आर यूज जावा, है ना, हम जावा यूज क्यों कर रहे हैं, लाइनेक्स क्या होता है, ठीक है, पाइथन क्या रहती है, जो भी आपका लेसन प्लान आप मेक कर रहे हो, कोर्स बना रहे हो, सिलेबस बना रहे हो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिलेबस कर रहे हो, तो आपको 5W+1H ऐड करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आर द इंटेंटेड आउटकम। देखिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंटेंटेड आउटकम होते हैं, इंटेंटेड आउटकम का मतलब होता है कि आपको एक रिजल्ट तक लेके जाएंगे, एक आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। विच द कोर्स इज टू बी स्टार्ट, जहां से कोर्स स्टार्ट होता है और जहां पे वो एंड होगा उसकी एक आउटकम देता है कौन, कोर्स देता है, ठीक है। व्हाट दे एक्सपेक्ट द लर्नर टू बिकम फुलफिल्ड इमिडिएटली ऑन द कम्प्लीशन ऑफ कोर्स, कम्प्लीशन ऑफ कोर्स होने पे वो कितना जान पाते हैं, वो रहती है आपकी इंटेंटेड आउटकम। देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव होती हैं, आप देखते हो नीमी बुक को, तो वहां पे लिखा होता है, लर्निंग आउटकम भी लिखा होता है, तो जो लर्निंग आउटकम है वो ही रहने वाली आपकी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, इंटेंटेड आउटकम रहते हैं, क्लियर। देखिए डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए स्पेसिफिक कोर्स, देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं एक लेसन प्लान के लिए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्पेसिफिक कोर्स और टॉपिक विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द कंटेंट, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाना है, आपको असेस करना है अपने बच्चों को, मार्क्स देने हैं, पास आउट करना है उनको, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, उसके बेस पे ही आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिए जब आपको उसका नेसेसरी पता नहीं है, कंटेंट का पता नहीं कि उसमें क्या क्या चीज रहने वाला है, फुल नॉलेज नहीं है, मस्ट नो नॉलेज नहीं है, शुड नो नॉलेज या कुड नो नॉलेज है, नॉलेज की तीन टर्म होती है ना, याद है ना आपको, शुड नो नॉलेज, कुड नो नॉलेज, मस्ट नो नॉलेज, मस्ट नो नॉलेज ही सबके पास। जब आपको कंटेंट का ही पता नहीं कि मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे किसी पे वर्क करना है, तो आपके वो नहीं आने वाले ना ऑब्जेक्टिव। तो आपको पहले कंटेंट का पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज को पढ़ाना है, मस्ट नो नॉलेज मेरे पास होना चाहिए, असेसमेंट भी मुझे करनी है, तब जाके आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये आप अपने ब्रेन में ऐड करो कि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहे हैं तो आप 5W+1H ऐड करो, ठीक है। कंटेंट क्लियर कर लो कि आपको क्या टीच करना है, क्या चीज आपको चाहिए, राइट। असेसमेंट के बेस पे भी आप कर सकते हो, ठीक है।
Before starting a course, the planner will make a survey of all kind of skill needed to be developed and developing industry. This survey will enable them to know the skill required to the industries based on the they will determine the objective of the course and develop the content. देखिए इस लाइन से मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ. देखिए इसका मतलब है कि बिफोर स्टार्टिंग अ कोर्स द प्लानर विल मेक अ सर्वे ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्किल नीडेड बाय डेवलप एंड डेवलपिंग इंडस्ट्री. जब आप एक कोर्स को तैयार कर रहे हो, एक सिलेबस को तैयार कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव को तैयार कर रहे हो, तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए. जो भी हमारी बेसिक नीड रहने वाली, जो भी फ्यूचर की अपकमिंग नीड्स रहने वाली. देखिए जैसे पहले लेथ मशीन का चलन नहीं था, बट अभी लेथ के साथ सीएनसी भी आ चुका है और आईटी सेक्टर मतलब ज्यादा डेवलप कर रहा है. तो आपकी जो डिमांड होनी चाहिए कोर्स के, जो इंटेंडेड आउटकम होनी चाहिए, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, वो कैसे रहनी चाहिए, आज से डेवलप्ड होने चाहिए. डेवलप्ड मतलब आपको नेसेसरी का पता होना चाहिए. एक सर्वे करो आपकी क्या उनको जरूरत है, क्या उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत. देखिए सिलेबस हर साल ही चेंज हो जाता है. पीओटी का लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें कितने यूनिट्स थी, अगर आपको ध्यान होगा तो 10 यूनिट उसमें रहने वाली है. ठीक है, फिर उसमें अप्रैल मंथ में, आई थिंक नॉट अप्रैल बट फरवरी, लास्ट ईयर की फरवरी में क्या होता है कि उसमें 2 यूनिट और जुड़ जाती है, 12 यूनिट होगी. ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, जब आप लोग गए सीआईटीएस करने के लिए 2019 का, 2019 का जो बैच किया, तो उनके टाइम में पीओटी की नई बुक आती है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी करके, और उसमें 14 यूनिट रहती है. तो वो क्या कर रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं कि ये चीज हमें चाहिए या नहीं चाहिए. ठीक है, तब उनको जाके वो ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं ना. उनकी जो टेक्नोलॉजी है डे टू बाई डे वो अब डेवलप कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड उनकी डिमांड है उनके रिलेटेड वो चीजों को डेवलप कर रहे हैं, उन थ्योरी टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, अपनी पार्टनरशिप दे रही है कंपनियां बहुत सारी प्रैक्टिकल करवाने के लिए. अगर उनका, अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज देते हो, जैसे अभी जो कंप्रेसर चल रहे हैं वो डीसी इन्वर्टर टाइप चल रहा है ज्यादातर. ठीक है, तो कंपनी क्या करेंगी, अगर आप डाइकन का या हिटाची का या ब्लू स्टार का या निर्वाणा का या समथिंग कोई और उनका, अगर आप उन थ्योरेटिकल नॉलेज देते हो, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, आपको हायर करती हैं, आपको प्रोवाइड करवाती हैं डेवलपिंग उनका जो भी इंस्ट्रूमेंट है रहने वाला, उसको वो आपको देती हैं यूज के लिए. क्यों? क्योंकि आप डे टू डे लाइफ से टच रहो. तो आपके ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, डे टू डे लाइफ से टच रहने चाहिए, तभी आप स्किल को अच्छे से बढ़ावा दे पाओगे. ठीक है, तो ऐसे आप स्किल को बढ़ावा दे सकते हो, ऐसे आप अपने ऑब्जेक्टिव को बना सकते हो. राइट, एनालिसिस ऑफ सिलेबस. देखिए विश्लेषण कैसे होता है सिलेबस का, सिलेबस को हम कैसे बनाते हैं या कोर्स को कैसे बनाते हैं, दो विधियां रहती हैं, वो भी हम आगे चल के देखेंगे. ठीक है, देखिए एनालाइजिंग अ सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्डर ऑफ द फाइंड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक, नो व्हाट टू टीच, व्हेन टू टीच, हाउ टू टीच. देखिए सिलेबस कब आपको पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, व्हेन टू टीच, कब आपको पढ़ाना है, हाउ टू टीच, मुझे कैसे पढ़ाना है, जब वो आप सिक्वेंस लेटर में जोड़ते हो, ऑर्डर में जोड़ते हो, तब आप विश्लेषण करते हो, उस फॉर्मेशन को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ सिलेबस. आप सिलेबस को पढ़ाने के तरीका जो ढूंढ रहे हो, देखिए जैसे हम पहले ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था मैं, तो मैंने यूट्यूब से पहले ऑप्शन नहीं चुना, मैं क्या कर रहा था, जूम से क्लासेस ले रहा था. तो उसमें क्या होता था, कभी कभी वेदर डिसकनेक्ट करवा देता था और वहां पर 40 मिनट की लिमिट मिल रही थी. बट जब यूट्यूब पे मैं लाइव आपको टीच कर रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो मुझे पता है व्हाट टू टीच, क्या मैं आज टीच करने वाला, तो आज मैं क्या टीच कर रहा हूँ, करिकुलम वर्सेस सिलेबस आपको टीच कर रहा हूँ. व्हेन टू टीच, मैं कब कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सी से पहले मैंने यूनिट टेक कर रहा था, आज क्या दिन है, व्हेन, क्या था मतलब कि क्या नेसेसरी रहने वाली आज की, तो मुझे पता नहीं व्हेन टू टीच, मैं कब टीच करूंगा, किस यूनिट के बाद में करूंगा, कब मुझे ये वाला इंप्रेशन आपको देना है. ठीक है, हाउ मच टू टीच, मुझे कितना टीच करना, हाउ टू टीच और हाउ मच टू टीच, कितना आपको नॉलेज देना है. ठीक है, वो जब आप सीक्वेंस जोड़ते हो तो आप एनालाइज करते हो, इस प्रोसेस को आप बोलते हो एनालाइजिंग. ठीक है, वही रहती है आपकी एनालाइजिंग ऑफ सिलेबस. राइट, इफ एन इंस्ट्रक्टर बिगेन्स हर टीचिंग आफ्टर एनालाइजिंग द सिलेबस द ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी इम्पार्टेड इफेक्टली विदाउट एनी कन्फ्यूजन. मतलब कि जब एक टीचर पढ़ाने, जब वो क्लास में जाता है पढ़ाने के लिए, उससे पहले अगर वो एनालाइज करता है कि मुझे ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है, ये वाला इशू आ सकता है, जैसे वो कन्वेक्शनल टाइप में टीच कर रहा था, बट जो उसका मार्कर पेन है या जैसे बोर्ड है, हो सकता है कि वो थोड़ा खराब हो गया, ब्लैक बोर्ड वगैरह या व्हाइट बोर्ड वगैरह उसका खराब हो जाता है, मतलब वो इरेज करने के लिए डस्टर नहीं है, या जो इंक आपने यूज कर दिया वो परमानेंट मार्कर है, समथिंग ऐसा कुछ,
तो आपके लिए तो इशू हो गया ना, बट आप जब पहले से एनालाइज करके जाओगे अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक को, ठीक है, तो आपको पता है ना कि ये वाली अगर दिक्कत होगी, ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो मुझे ऐसे हैंडल करना है, आपको एनालाइजिंग टर्म का पता है, तो आपका जो लेक्चर होगा इफेक्टिवली मैनर में चलेगा, विदाउट एनी कन्फ्यूजन के, विदाउट एनी इंटरप्शन के, ठीक है, तो उसका फायदा रहता है आपका एनालाइजिंग का। तो तभी हम सिलेबस को एनालाइज करते हैं, पहली बात तो जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है व्हाट टू टीच, हमें क्या टीच करना है, व्हेन टू टीच, हमें कब करना है, क्यों करना है, हमें किस मॉडल में करना है, किस सीक्वेंस में करना है, ठीक है, हाउ मच टू टीच, कितना आपको नॉलेज देना है, आपको एनालाइज करना है अपने टीचिंग एड को, ट्रेनिंग एड को, जैसे भी आप ट्रेनिंग देना चाहते हो वैसे, ठीक है, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव वगैरह, सिलेबस, कोर्स, करिकुलम, जो भी डेवलप कर रहे हो, आपको एनालाइज करना है पहले, ठीक है, इम्पार्ट करना है उसको, इम्पार्ट मतलब उसको फेस ऑफ इम्पार्टेशन स्किल, अगर आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 4 में, तो स्किल इम्पार्टेशन के मेरे हिसाब से जहां तक मुझे नॉलेज है कितने मेथड रहने वाले हैं, आई थिंक 4 मेथड रहते हैं, फोर मेथड रहते हैं स्किल को इम्पार्ट करने के, आई थिंक 3 रहते हैं, 3 इज राइट, कॉग्निटिव फेस रहता है, फिक्सेशन स्टेप रहता है, फेस रहता है, ऑटोनोमस फेस रहती है, ठीक है, तो जब आप स्किल को इम्पार्ट करते हो, उनको थोड़ा अलग करते हो, ठीक है, तो 3 फेस रहते हैं, कोगोनेटिव मतलब आपका जो नॉलेज है, फिक्सेशन मतलब आप उस पर थोड़ा सा डेवलप कर रहे हो, ऑटोनोमस मतलब जो भी इंटरजेनिक प्रोसेस है विदाउट कोई एरर के आप परफॉर्म कर रहे हो किसी जॉब को इंडिपेंडेंटली, खुद के बेस पे, करेक्ट स्पीड में और सेल्फ कॉन्फिडेंस से करेक्टराइज कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, और जो भी लर्नर की नीड है, कॉन्शियसनेस है, थिंकिंग ऑफ एक्शन है उनका, उसको आप मतलब स्किल बोल सकते हो, आप उस बेस पे आप उसको क्या करते हो, फेसेस ऑफ स्किल को लर्न करवाते हो, ठीक है, स्किल को एनालाइज करते हो, उसको विश्लेषण करते हो, मेरी 3 टर्म में, कोगोनेटिव, फिक्सेशन और ऑटोनोमस, ठीक है। मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग, देखिए अभी हमने बात किया कि एनालाइज ऑफ सिलेबस, सिलेबस को विश्लेषण कैसे करें, और क्या मेथड है, 2 मेथड रहने वाले मेनली, टाइम बेस्ड और टॉपिक बेस्ड। देखिए टाइम बेस्ड रहता है जिसमें आप सिलेबस को कैसे निकालते हो या टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करते हो, आप लेसन प्लान को कैसे प्रिपेयर करोगे, आप सिलेबस को डिवाइड करते हो 2 मॉड्यूल में, ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग 2 मॉड्यूल्स, यूनिट एंड टाइम विल बी अलॉटेड फॉर द लेसन। आप क्या करोगे, टाइम बनाओगे, एक टाइम दोगे कि मुझे इतने टाइम तक इसको टीच करना है, एक यूनिट बना दोगे, एक डिवीजन कर दोगे कि मुझे इतना इतना टीच करना है, मुझे लेसन प्लान के बाद में एक शॉर्ट लेसन प्लान भी मुझे रखना पड़ेगा कि अगर मेरा लेसन प्लान 40 मिनट में टीच कर रहा हूँ तो जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वो 20 मिनट का शॉर्ट लेसन प्लान बोल सकते हो आप उसको, मुझे अभी टेक्निकल फॉर्म उसका याद नहीं आ रहा है, शॉर्ट लेसन प्लान नहीं बोलते हैं, बट उसको माइक्रो लेसन प्लान बोलते हैं, यस माइक्रो लेसन प्लान उसको बोलते हैं, तो माइक्रो लेसन प्लान आप फॉलो करते हो, वो 20 मिनट का रहता है, ठीक है, वो तब रहता है जैसे आप टीच कर रहे थे, और टीच करते हुए क्या होता है कि आपका 1-2 ऑब्जेक्टिव रह जाता है, जब आपके 1-2 ऑब्जेक्टिव रह जाते हैं तो आप जरूरी थोड़े कि पूरा ही आप रिकैप करो, समराइज करो, सीधे से उसको टेक कर लो, ठीक है, तो कैसे डिवाइड करोगे आप, 2 मेथड में डिवाइड करोगे, टाइम बेस्ड और टॉपिक बेस्ड। टाइम बेस्ड में भी 2 टाइप से आप डिवाइड करोगे, मॉड्यूल के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, ठीक है, टाइम विल बी अलॉटेड फॉर द लेसन, आप टाइम दोगे मॉड्यूल और यूनिट के हिसाब से, टाइम बेस में डिवाइड करते हो, ठीक है, टाइम विल बी इंडिकेटेड इन आवर और मिनट, मेनली वैसे मिनट में रहता है, बट आप एक कोर्स को अगर बना रहे हो, सिलेबस को बना रहे हो तो वो आवर्स में रहेगा, बट आप एक टॉपिक को डेवलप कर रहे हो, बना रहे हो टाइम बेस के हिसाब से, तो वो मिनट्स में रहने वाला है, ठीक है। फॉर योर नॉलेज मैं बता दूं आपको, लेसन प्लान जो डेमोंस्ट्रेशनल प्लान होता है, अगर वो 2 घंटे का भी चलने वाला है तो उसमें 2 आवर मेंशन नहीं करते हैं, 120 मिनट ही आप मेंशन करते हो, राइट। और जो आपका सिलेबस होता है, जो भी आपका रहने वाला है, जैसे सिलेबस में जो चीज कवर होने वाली है उसको आप आवर्स में इंडिकेट करते हो, ठीक है। टॉपिक बेस में क्या रहने वाला है कि जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है, एक्टिविटी है, उस हिसाब से आप उसको डिवाइड करते हो, इट कंटिन्यू टिल द ट्रेनी लर्न्स द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी कम्प्लीटली। जब उसकी एक्टिविटी कम्प्लीट होगी, जब वो इन्वॉल्व करेगा लर्निंग प्रोसेस में, तो उस हिसाब से भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक अलग एक्टिविटी रहने वाली है, तो उस हिसाब से भी आप टॉपिक बेस पे आप क्लियर कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो सिलेबस का, ठीक है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, इसमें टाइम का कुछ नहीं है। देखिए अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो टॉपिक बेस पे, जैसे आपका कोई टॉपिक है
5S काइजन वाला आपका टॉपिक, 5S क्या रहते हैं, तो आप उसको समझाने से अच्छा है कि आप उनको एक थोड़े तरीके में समझाओ, एक डिस्कशन करो और उनको प्रैक्टिकल में लेके जाओ, प्रैक्टिकल वर्कशॉप में लेके जाओ मेनली, और उनको बोलो कि टूल का अरेंजमेंट 5S में करो, तो वो शॉर्ट करेंगे, उनको साइन करेंगे और उनको जो भी 5S रहने वाला है उसके हिसाब से वो उनको सस्टेन वगैरह करके स्टैंडर्डाइज करके करते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहने वाला है, ग्रुप डिस्कशन आप जितना मर्जी करवाओ, आप अच्छे से टॉपिक को डेवलप करते तो राइट, दिस काइंड ऑफ एनालाइज विल बी हेल्पफुल ओनली इन केस ऑफ रिसर्च वर्क। देखिए रिसर्च वर्क जो भी हमने करना, जैसे हम लैब को वर्कशॉप को बहुत अच्छा कर रहे, तो एक रिसर्च टाइप हुआ ना, जब आपका वर्कशॉप अच्छा दिखेगा, आपको टूल जल्दी से मिलेगा, तो एक रिसर्च हुई, इजी टू यूज आ गया ना, आपका कट पॉइंट मिल गया आपको, तो उस जगह को बहुत यूज करते हो, जहां पे आपको बहुत सारे आइडियाज चाहिए होते हैं, वहां पे टॉपिक बेस्ड एक्टिविटी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप इन्वॉल्वमेंट, वो कौन से स्टेप हैं जो एनालाइजिंग विश्लेषण करती बार सिलेबस को यूज करे जाते हैं, ठीक है। स्टडी एंड अंडरस्टैंड द सिलेबस, पहले तो आपको क्या करना है, स्टडी करना है कंटेंट को, सिलेबस को, की और अंडरस्टैंड करना है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। प्रिपेयर करो एक लिस्ट, बेसिक एलिमेंट्स उसमें ऐड करो कि मुझे ये वाले टॉपिक चाहिए, ये वाले ऑब्जेक्टिव चाहिए, पूरा क्लियर करो, ठीक है। एडवांस्ड स्किल जो भी रहने वाला है ट्रेड का, देखिए जैसे हमने बात करा था कि नई टेक्नोलॉजी को अगर आप ऐड कर रहे हो, जैसे इन्वर्टर कंप्रेसर को आप कर रहे हो ऐड, तो जो भी उसका स्पॉन्सर होगा, जो भी आपको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए कंपनी आपको हायर करेगी, अपना इंस्ट्रूमेंट देती है, तो एडवांस स्किल को आपने उसमें ऐड करना है, ठीक है। पुराना वाला सिस्टम भी चल पड़ता है, बट उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना चाहिए, तभी हर साल आप देखते हो, हर साल तो नहीं बोल सकते, बट 2-3 इयर्स के बाद में चेंज होता है सिलेबस में, कोर्स में, करिकुलम में, ठीक है। अभी CITS की बात करते हैं, तो पहले का जो CITS का फॉर्मेशन था उसमें क्या था कि आप अगर एक बार CITS कर लेते हो वो वैलिड रहता है पता उम्र, बट जो अब आप CITS कर रहे हो जिन्होंने पास आउट किया लास्ट ईयर, उनके लिए क्या है कि 5 साल बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। उसके एक एडवांटेज ये है, जो भी 5 साल में आधुनिक जो भी तकनीकी जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसका आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, आपको उसका नॉलेज से आपको अवगत कराया जाएगा, तब वो 5 ईयर्स कर रहा है। आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया, ठीक है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जॉब, देखिए दोनों को अलग अलग काटिए, अलग अलग विश्लेषण कीजिए, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल को भी एक साथ जोड़ रहे हो और थियोरी को भी, अलग अलग करो, ठीक है। अरेंज द टॉपिक फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो चीज पहले ही नेसेसरी रखती है, जैसे इंट्रोडक्शन आपको बतानी, जैसे आप मॉडर्न टेक्निक को यूज कर रहे हो, जैसे PPT आप के बारे में आप पढ़ाना चाह रहे हो, आप एक बुक लिख रहे हो मॉडर्न टेक्निक पे, टीचिंग टेक्निक्स पे, ठीक है, तो टीचिंग टेक्निक में अगर पीपीटी आता है तो आप उसका इंट्रोडक्शन लिखो कि वो है क्या, क्यों यूज करते हैं ना, तो आपको वो कैसे अरेंज करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड में, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट मेथड में यूज करना है, ठीक है। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट द सिलेबस इन आवर्स, देखिए आपको क्या करना है कि टाइम भी कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं कि सभी यूनिट्स को जहां तक ध्यान हो जो पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में उनको अरेंज करो, ठीक है, फिर उनकी नेसेसरी के हिसाब से उनको टाइम दो, ऐसा नहीं कि हर टॉपिक को आपने इक्वल टाइम दे दिया, कम टाइम दे रहे हो, किसी को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और किसी को बहुत कम दिया, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए आप ज्यादा टाइम दो क्योंकि उनको सीखना पड़ेगा, बट थियोरेटिकल के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, उतना ही टाइम देना है जितना उनके लिए रिक्वायर्ड है, एक सिलेबस के अनुसार आवर्स में दे सकते हो आप, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आवर्स ऑफ ईच एक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, मतलब जो इतना कठिन रहने वाला है जितना उसका नेसेसरी, उसके हिसाब से आप उसको टाइम दो, डिस्ट्रीब्यूट करो टाइम को, ठीक है, वही हमने बात की। प्रिपेयर करो मास्टर शेड्यूल को कि एक साल में आपको कितना वर्क करना है, कितना उनको पढ़ाना है, कितना टीच करना है, ठीक है, जो भी आपका रहने वाला है पूरा उसको आप मास्टर शेड्यूल में काटो। मास्टर शेड्यूल की भी हम एक क्लास लेंगे बाद में, आपको क्लियर हो जाएगा मास्टर शेड्यूल क्या रहने वाले, वीकली शेड्यूल क्या रहता है और मंथ शेड्यूल क्या रहता है, ठीक है। देखिए लास्ट आता है प्रिपेयर करो एक टाइम टेबल को, टाइम टेबल बनाओ आप, मंथ के हिसाब से बनाओ, वीक के हिसाब से बनाओ कि एक वीक में मैं कौन कौन सी क्लासेस लूंगा, कौन सा क्लास कितने घंटे का चलेगा, ठीक है, उस नेसेसरी के हिसाब से आप सिलेबस को बांट दो, टॉपिक्स को बांट दो, ठीक है, मतलब कि बुक्स को भी बांट सकते हो, बुक्स बोल सकते हो आप सिलेबस को, आपको अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा इजी फॉर्म में तो आप बुक भी ले सकते हो, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक ही है तो होता है, ठीक है, राइट। प्रिपेयर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर ईच लेसन, देखिए आपको जो भी मीडिया चाहिए उनको पढ़ाने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, चाहे वो टीचिंग एड है, ट्रेनिंग एड है, या कोई भी ग्रुप डिस्कशन जो भी रहने वाला है, पूरी रीएनफोर्समेंट जो भी है वो आपको तैयार करनी है, ठीक है। जो भी BIM है, रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप पढ़ते हो कि लेसन प्लान को कैसे फॉर्मेट करा जाता है, फॉर्मेशन दी जाती है, नॉट फॉर्मेट बट फॉर्मेशन, तो कैसे करा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। हर चीज को आपने क्या करना है, प्रिपेयर कर रखना है पहले से।
एडवांटेज क्या आते हैं सिलेबस को विश्लेषण करने के लिए, विश्लेषण करने के बाद में क्या एडवांटेज आपको मिलने वाले, क्या एडवांटेज आपको मिलता है एनालाइज करने के बाद में, ठीक है। देखिए आफ्टर एनालाइजिंग द सिलेबस इंस्ट्रक्टर को क्या फायदा होता है, इंस्ट्रक्टर अंडरस्टैंड करता है कि क्या उसको टीच करना है, जो इम्प्रॉपर जो उसका अनएड मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि जो उसकी अननेसेसरी जो टीचिंग थी वो दूर हो जाएगी, जो वो फालतू टाइम गिव कर रहा था क्लास में अपना, आगे वाला जो फ्यूचर टाइम था उसको वेस्ट कर रहा था है ना, उसको भी वो यूज कर ले रहा था, वो बचेगा। तो उसका क्या फायदा है, आपको पता है कि मुझे क्या टीच करना है, आप उतना ही टीच करोगे, कलेक्ट करोगे आप इन्फॉर्मेशन को उसी प्रॉपर वे में, एडिशनल ज्यादा नहीं जाओगे। अगर मैं आज करिकुलम और सिलेबस पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि मुझे कितना पढ़ाना है, लेसन प्लान तक का मुझे वो लेना है एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन या कुछ और है ना, प्रिपेयर वेल करते हो आप खुद को, अच्छे से तैयार करोगे, ये एडवांटेज रहने वाला है। ट्रेनिंग मटेरियल कैन बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है वो एडवांस में प्रिपेयर करो, ठीक है। मतलब एडवांस मतलब यूज करे तो टूटना नहीं चाहिए, और एडवांस टेक्नोलॉजी से अगर वो वर्क करता है, को रिलेट करता है, तो ज्यादा बेटर रहने वाला है आपकी इफेक्टिवनेस के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी कंप्लीटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो भी टाइम आप टेक करो उसी में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। जब आप एक प्लानिंग से चलते हो तो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम उसी शेड्यूल में खत्म होगा जितना आपने प्लान किया था, ओके। एक मिनट भी आपका फालतू नहीं लग सकता है, हाँ 20 मिनट 30 मिनट आप बोल सकते हो, क्योंकि वो कुछ बैरियर्स रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट मतलब कि अगर आप एडवांटेज में देखते हो, अगर आप अच्छे से एनालाइज करते हो तो आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, प्रॉपर टाइम ही आप फिनिश करोगे ट्रेड के सब्जेक्ट को, टॉपिक को, सिलेबस को या करिकुलम को, ओके। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपको टीचिंग में, ठीक है। इट हेल्प टू मेंटेन लॉजिकल सीक्वेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग, आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस मिलने वाला है, आपको जो भी टीच कर रहे हो वो एक सीक्वेंसिकल मैनर में ही चलेगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा फिर, ठीक है। द टीचिंग एक्टिविटी प्रोसीड टू ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, आपके जो लर्नर है, ट्रेनी है, जो भी आपसे सीख रहा है, गेन कर रहा है नई इन्फॉर्मेशन को, प्रैक्टिकल को, स्किल को या नॉलेज को, वो एक ही वे में मूव करेगा, जिग जैग मोशन में नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो पहला फर्स्ट यूनिट पढ़ रहा है, फिर 7 यूनिट पढ़ रहा है, फिर 12 पढ़ रहा है, फिर 3rd पढ़ रहा है, फिर 4th पढ़ रहा है, वैसा नहीं। एक डेफिनेट डायरेक्शन मिलेगी उनको, एक लक्ष्य मिल जाएगा कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे मुझे चलना है, क्योंकि आपने सभी को बराबर नेसेसरी दी थी, थोड़ा टाइम का कंजप्शन कम या ज्यादा था, क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ ज्यादा टाइम ज्यादा हो सकता है और कुछ के लिए कम, ठीक है। इट असिस्ट इन अचीविंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, ये आपको क्या अचीव करवाने में हेल्प करता है, एम को, आपका जो भी एम है टीच करने जा रहे हो वो आपको मिलेगा, रिस्पॉन्स भी आपका एम में ही आएगा, वो भी आपको मिलेगी, फीडबैक भी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहने वाला है, कोई आपको मिसकंसेप्ट नहीं आएगा एनालाइज करती बार, ठीक है। जब आप एनालाइज करते हो प्रॉपर मेथड में तो क्या होता है, आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलने वाली है। द सक्सेस ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अश्योर्ड, आप गारंटी ले सकते हो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की वो सक्सेसफुल मैनर में होने वाला है, राइट। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स एडवांटेज के। अभी आता है कोर्स कंस्ट्रक्शन। देखिए कोर्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए ओरिएंटेशन कैसे आया, कोर्स का आया कहाँ से, लेवल ऑफ द लर्नर, देखिए लर्नर के लेवल को अनुसार पढ़ाने के लिए हमने क्या किया, डेवलप कोर्स को डेवलप किया जाता है, कोर्स को बनाया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, उसको पहचान दिलाने के, उसकी इंट्रोडक्शन बताने के लिए भी हम कोर्स को डेवलप करते हैं। देखिए कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं, अभी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हमने सिलेबस के बारे में बात करी, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है, आपका इंस्ट्रक्टर को हेल्प करता है वेरियस थिंग्स के बारे में बताइए कि वो क्या अचीव करने वाला है कोर्स में, ठीक है। ये सब कोर्स में इंक्लूड होता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम आपको मिलने वाली हैं, जो भी आप लर्निंग करवा रहे हो, जो भी टाइम दे रहे हो, स्किल दे रहे हो, एबिलिटी सिखा रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, वैल्यू जो भी दे रहे हो टाइम की, रेलिवेंट की, ट्रेनी क्या करेगा उसको एबल करेगा, अचीव कर लेगा जल्दी से जल्दी उस लेसन की, जो भी इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रक्शन है, ऑब्जेक्टिव है या लर्निंग जो भी आउटकम रहने वाली है, जो भी वो सीख रहे हैं लर्निंग आउटकम, उसको आप मेजर कर सकते हो, एबिलिटी को जान पाओगे, ठीक है। वन सेकेंड, नेटवर्क इशू हुआ थोड़ा।
देखिए कोर्स कंटेंट कैसे होता है, कोर्स कंटेंट क्या होता है, मस्ट बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द स्किल्स। देखिए स्किल के हिसाब से आपको क्या करना है, कोर्स को बनाना है नीडेड टू अचीव द लर्निंग आउटकम। जो लर्निंग आउटकम आपको चाहिए, जैसे आप अभी सिखा रहे हो कि पाइथन में वर्क करना सिखा रहे हो, तो अगर आपको जो भी चाहिए कि मेरे ट्रेनिंग को ये आना चाहिए, तो आप क्या करोगे उसको स्किल बेस उसको सिलेक्ट करो कि मुझे ये चीज उसको सिखानी है, तब मुझे उससे ये आउटपुट चाहिए, ठीक है, राइट। कोर्स रिसोर्स मटेरियल क्या रहने वाला, देखिए कोर्स को जो बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो क्या रहने वाली है, आपको हर चीज प्रिपेयर करनी है, रिसोर्स मटेरियल जो भी यूज होने वाला है, रेफरेंस बुक भी आपको देनी कि आप ये कहाँ से टेक कर रहे हो, या अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप क्या करोगे इस चीज को वहां से फॉलो करके भी देख सकते हो, ठीक है। रिसोर्स मटेरियल इंक्लूड, देखिए रिसोर्स मटेरियल जो आता है उसमें क्या आने वाले, रिसोर्सेज तो आप जानते हो ना, जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी आपके यूज में आ रहा है उसको आप रिसोर्स बोल सकते हो। टूल्स इक्विपमेंट जो भी आप पर्टिकुलर सिलेबस के लिए सिखाने के लिए किसी जॉब को या स्किल को या थ्योरेटिकल नॉलेज समझाने के लिए मॉडल वगैरह यूज करते हो वो सारा आप इसमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टूल्स आएंगे, इक्विपमेंट आएगा, ट्रेनिंग एड्स जो भी आप यूज करोगे, लेसन प्लान भी आता है, डेमो प्लान भी आएगा, इन्फॉर्मेशन शीट, जॉब शीट, डायग्राम, चार्ट्स, मॉडल्स, जो भी मतलब आप यूज कर रहे हो रिसोर्स जिससे आपको हेल्प मिल रहा है, वो आप सब आपका कोर्स में इंक्लूड होता है पहले से, वो आज सब आपको इंक्लूड भी करना है, ठीक है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, बेस्ड ऑन द फैकल्टी अवेलेबल suitable presentation method like lecture, audio visual etc are to be included। देखिए अगर आपने zoom पे मेरा क्लास अटेंड किया होगा, टीचिंग strategies और टीचिंग टेक्निक्स का तो नहीं हो पाया, थोड़ा इशू आया था वेदर का, तो हम उसको भी अवेलेबल करवा देंगे यूट्यूब पे। बहुत जल्दी ही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाऊँ, फिर उसके बाद में आपके लिए एमसीक्यू सीरीज रखूँ जो भी हमने पढ़ाया उसी बेस पे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो जो मेथड होंगे इंस्ट्रक्शन की, जो आप पढ़ाओगे वो कैसा होना चाहिए, फैकल्टी बेस्ड होना चाहिए। फैकल्टी बेस्ड मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हो फैसिलिटी बेस्ड भी होना चाहिए, ठीक है। जो भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवा रहे हो उससे सूटेबल होना चाहिए। डेमोस्ट्रेशन का मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डेमोस्ट्रेशन का होना चाहिए। थ्योरी पढ़ा रहे हो तो लेक्चर मेथड आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने टीचिंग स्ट्रेटजीज में वो पढ़ा है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड भी आपको यूज करने एक्सेट्रा, जो भी आपको जिस मेथड से आपको इंस्ट्रक्शन देना है, प्रेजेंटेशन करना है, वो आप यूज करोगे, ठीक है। आर टू बी इंक्लूड, आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट एंड इवेल्यूएशन आता है कि हमने कोर्स भी देख लिया, करिकुलम भी देख लिया, सिलेबस भी देख लिया, मॉड्यूल यूनिट लेसन प्लान एवरीथिंग देख लिया, हमने एनालाइज भी कर दिया कोर्स कैसे बन रहा है, सिलेबस कैसे बन रहा है, करिकुलम कैसे बन। अभी आती है टेस्ट एंड इवेल्यूशन की बात। देखिए टेस्ट एंड इवेल्यूशन जो होता है मेनली दो टाइप से होता है, समेटिव और फॉर्मेटिव से, ओके समेटिव और फॉर्मेटिव से। तो उसका मेनली आपको पता लगता है कि समेटिव में कौन सा फॉर्मेट रहने वाला और फॉर्मेटिव में कौन सा रहने वाला। अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि असेसमेंट क्या रहने वाली, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कोर्स के साथ में असेसमेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो टेस्टिंग और इवैल्यूएशन क्या रहने वाली, इवैल्यूएशन क्या रहने वाला है, द मेथड ऑफ टेस्टिंग इवैल्यूएशन मस्ट आल्सो बी फाइनलाइज एट द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए जब भी फाइनल हो रहा है आपका कोर्स, खत्म हो रहा है आपका कोर्स, जब आपका एंड में पहुंच रहे हो, तो आपको टेस्ट करना है, इवेल्युएट करना है। दो मेथड से करते हो, सबमेटिव और फॉर्मेटिव, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया। एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए कोर्स एंड करिकुलम एंड सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। करिकुलम क्या होती है, ऑफर करता है कोई इंस्टीट्यूट, कोर्स ऑफ स्टडीज में रहता है। सिलेबस क्या होती है, आउटलाइन होती है और टाइमलाइन होती है ऑफ सब्जेक्ट। टाइम थोड़ा बॉन्ड रहने वाला है, आउटलाइन जितना आप टीच करोगे उतना सिलेबस में इंक्लूड होगा। मॉड्यूल क्या होता रहता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक को अगर एक साथ अरेंज करते हैं तो उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, और उनको जब हम डिवाइड कर देते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो वो यूनिट बन जाती है। जब यूनिट को हम काट देते हैं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो वो लेसन बनता है, और लेसन को जब हम काटते हैं शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन बेस में तो वो लेसन प्लान बनता है, राइट। ओके करिकुलम क्या है, एक फंडामेंटल फैक्टर है एजुकेशनल स्कीम में, इसको यूज करा जाता है स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, एनएसटीआई में, आईटीआई में, इंजीनियरिंग लेवल में, सभी जगह यूज करा जाता है। रेफर करता है टोटल एक्सपीरियंस को, जो भी लर्नर सीखेगा आप उसके एक्सपीरियंस को मेजर कर सकते हो और कहां पे यूज करा जाता है, एजुकेशनल प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लैंड सीक्वेंस रहने वाला है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन करवाओगे पूरी एम फुल रहने वाली है, टीचर को भी फायदा रहने वाला है, इंस्टीट्यूट को भी, और जो भी इंस्ट्रक्शन गोल है, जो भी आपकी लक्ष्य प्राप्ति है वो आपको 100% होगी। कैसे होगी, सिक्वेंसिकल मैनर में होगी। और करिकुलम का जो निचोड़ है वो क्या रहता है,
की कोर्स ऑफ स्टडी होती है, इट इज अ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन और एग्जामिनेशन बॉडी और एनी स्कीम. देखिए, जो भी स्कीम अगर कोर्स को दे रही है, वो ऑफर कर रही है, तो वो अपने हिसाब से ऑफर कर सकती है, उसको आप करिकुलम बोलते हो. ठीक है, करिकुलम में पूरी एक्टिविटीज आपकी आती हैं, पूरा प्लान रहने वाला है, सिस्टमेटिकल अप्रोच है, गोल्स वगैरह जो भी आप प्लान करते हो वो सबको आपकी प्राप्ति होगी, आपको उनकी प्राप्ति होगी. ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं, कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हर चीज आपकी टाइम पे चलेगी, प्लेस टूल आपको हर चीज उसमें इंक्लूड होगा. अगर आप मेक कर रहे हो करिकुलम को, तो वो भी आपको उसमें टेक करना है कि मुझे कहाँ पे प्रैक्टिकल करवाना है, कौन सा मुझे प्लेस यूज करना है, किसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, किसके लिए इवेल्युएशन के लिए टाइम के लिए प्रोसीजर अलग होना चाहिए. ठीक है, करिकुलम क्या है, ब्रॉडर टर्म है, सबसे बाहरी टर्म है. उसके नीचे सिलेबस वर्क करता है, सिलेबस के नीचे मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल के नीचे यूनिट, यूनिट के नीचे लेसन, लेसन के नीचे लेसन प्लान. ओके, राइट, इतना क्लियर है ना सभी को? कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट कर सकते हो आप. ठीक है, सिलेबस क्या होता है, आउटलाइन होती है और समरी होती है टॉपिक्स की. ठीक है, एक छोटा सा समरी होता है, उसके बाद में सिलेबस को आप काट के क्या करते हो, यूनिट और मॉडल में आते हो. ठीक है, तो यूनिट और मॉडल में आप उसको डिस्क्राइब करते हो. ठीक है, तो ये एक समरी बेस रहने वाला है टॉपिक का. ठीक है, तो इसमें शेड्यूल ऑफ टाइम भी मेन रखता है, और सिलेबस आपको क्या मिलता है, शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलता है, जहां से आप पढ़ाने के लिए तैयार करते हो, सिलेबस को बनवाते हो, वहां से आपको मिलता है शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन से. और शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको कहां से मिलता है, करिकुलम से. राइट, इट इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर कोर्स, सभी के लिए लिमिटेड रहने वाला है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और कोर्स के लिए. देखिए, फॉर्मेशन कैसे बनता है, आप हमेशा ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करो, उसके बाद में आपको मस्ट नो नॉलेज यूज करना है, और आप जब कोर्स को स्टार्ट कर रहे हो तब से आपको डिसाइडिंग, जब आप डिसाइड कर रहे हो ऑब्जेक्टिव, तब से आपको कोर्स स्टार्ट करना है, वहां से आपको सोचना शुरू करना है, बनाना शुरू करना है. ठीक है, इंटेंटेड जो आउटकम रहने वाली है उनको ऑब्जेक्टिव बोलते हो आप. जो आपको, जब आप इसको फॉर्मेट करोगे, फॉर्मेशन करोगे, सिलेबस को बनाओगे, तो जो आपको चीज मिलेगी उसको आप ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो कि मुझे इस पे वर्क करना है, मुझे ये पढ़ाना है. ठीक है, तो इंटेंटेड आउटकम रहने वाली है, फुलफिल्ड रहती है वो पूरे नॉलेज से, पूरी एक्टिविटीज से. ठीक है, तो डिसाइड जब करते हो आप ऑब्जेक्टिव की, एक ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, ये बनता है आपके कंटेंट को एनालाइज करके. जब आप सोचते हो कि मुझे इस टॉपिक पे विश्लेषण करना है, मुझे इस पे मेक करना है, किसी टॉपिक के बारे में आप सोच रहे हो, पाइथन के, जावा के बारे में, या वेल्डिंग वगैरह जो भी आप कर रहे हो, या कार एयर कंडीशनिंग के बारे में आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे उस पे इवैल्यूएशन करना है कि मुझे उनको पास आउट करना है, आपको थोड़ा बहुत रह रहा है, तो आप इवेल्यूएशन के बेस पे, असेसमेंट के बेस पे भी डिसाइड करते हो ऑब्जेक्टिव को कि मुझे आउटकम क्या चाहिए. ठीक है, असेसमेंट मतलब जो भी आउटकम आपको चाहिए वो रहने वाले. ठीक है, एनालिसिस ऑफ सिलेबस दो मेथड से होता है. पहले देखते हैं हम एनालाइज कैसे करते हैं, व्हाट टू टीच, आपको क्या टीच करना है, तब भी आप एनालाइज कर सकते हो, व्हेन टू टीच, हाउ टू टीच, हाउ मच टू टीच. ठीक है, अब 5W+1H आप ऐड करोगे तो आपको एनालाइजिंग भी मिलेगा और आपको इंटेंटेड आउटकम भी मिलेंगी, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव. ओके, वो भी आपको मिलने वाला है. दो मेथड से आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो सिलेबस को, टाइम बेस्ड और टॉपिक बेस्ड. टाइम बेस्ड में क्या होता है, आप दो तरीके से डिवाइड करते हो उसको, मॉड्यूल के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, और हर को आप, हर यूनिट को आप क्या करोगे, यूनिट या मॉड्यूल को बराबर टाइम देने वाले हो, या उसकी नेसेसरी के हिसाब से आप टाइम देने वाले हो. और टाइम आपका क्या होने वाला है, आवर्स में होगा या मिनट्स में रहने वाला है. लेसन प्लान, डेमोंस्ट्रेशन प्लान के लिए वो मिनट्स में रहता है, और सिलेबस के लिए वो आवर्स में रहेगा. ठीक है, राइट. देखिए, टॉपिक बेस में अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहने वाले टाइम की, आप बगैर टाइम के हिसाब से उसको बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो. ठीक है, और ये कहाँ पे यूज रहता है, रिसर्च लेवल में यूज होता है. जो भी आपको स्टेप यूज करने हैं एनालाइज करते बार, वो ये है, स्टडी करो, पहले अंडरस्टैंड करो सिलेबस को, कंटेंट को तैयार करो, उसके बाद में एक लिस्ट तैयार करो आप बेसिक नॉलेज की, बेसिक स्किल की, और एडवांस स्किल की, जो भी ट्रेड से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है, या स्किल ओरिएंटेड जो भी आपका रहने वाला है उससे. ठीक है, प्रिपेयर करो एक लिस्ट को, थियोरेटिकल नॉलेज को अलग कर दो, सेपरेट कर दो प्रैक्टिकल नॉलेज से, आपको बहुत अच्छा एनालाइज मिल जाएगा, आप बहुत अच्छा एनालाइज कर पाओगे. अरेंज करो उनको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैनर में, कैलकुलेट कर दो उनके टाइम को, कितना टाइम मुझे एक टॉपिक के लिए देना है. राइट, देखिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दो आवर्स को उनके कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, कि वो इतना, जितना उनको टाइम लगना है, जितना उनको टाइम चाहिए मेनली, उस हिसाब से उनको टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप. राइट, प्रिपेयर करो मास्टर शेड्यूल को, कि मास्टर शेड्यूल क्या होता है कि अगली क्लास में हम आपको बताएंगे. ठीक है, देखिए, प्रिपेयर करो टाइम टेबल को, टाइम टेबल बना दो आप एक अच्छे से,
कि मुझे कौन सा क्लास कब टेक करना है, कौन सा बुक मुझे कब पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे कब पढ़ाना है, राइट? एडवांटेज मिलेंगे आपको कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है, आपकी जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो बहुत ही एडवांस मैनर में आपको मिलने वाली है और लॉजिकल सीक्वेंस में आपकी जो ट्रेनिंग टीचिंग टर्म है वो चलने वाली है, ठीक है? डेफिनेट डायरेक्शन में लर्नर भी वर्क करेगा और जो रोल इंस्ट्रक्टर जो रोल प्ले कर रहा है वो भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है? कोर्स कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है, आपकी ओरिएंटेशन होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि लेवल क्या रहने वाला है लर्नर का, उसकी नेसेसरी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है कोर्स की, वो आपको देनी है, ठीक है? कोर्स के ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेंगे आपको, कैसे मिलते हैं, क्या हेल्प करते हैं, इंस्ट्रक्टर को हेल्प करते हैं अलग अलग चीज को सिखाने के लिए, उन तक जाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव कैसे मिलता है आपको कंटेंट से, कंटेंट के बारे में जब आप सोचते हो 5W+1H यूज करते हो तब आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। इंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्टिव जैसे भी आप टीच करोगे, जो भी एनवायरमेंट है, जो भी आप स्किल यूज कर रहे हो, एबिलिटी सिखा रहे हो, नॉलेज वगैरह दे रहे हो, वो सब आपका आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में, इंस्ट्रक्शनल मैनर में आता है, ठीक है? लर्निंग आउटकम्स में वो आने वाला है कि मुझे ये आउटपुट चाहिए तो मुझे ये यूज करना, वो सब आएगा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? कोर्स कंटेंट क्या होता है कि ये सिलेक्ट करता है स्किल के बेस के हिसाब से, कि जो आपका स्किल है उस हिसाब से आप इनको थोड़ा अलग कर सकते हो, वो आपको कंटेंट मिल जाएगा, उसको आप कोर्स कंटेंट बोलते हो, ठीक है? कोर्स रिसोर्स मटेरियल होता है, रिसोर्स मटेरियल्स क्या होते हैं, जो भी आप यूज कर रहे हो, टूल इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एड, टीचिंग एड, लेसन प्लान, डेमो प्लान, इन्फॉर्मेशन शीट, वट एवर यू हैव टू टेक इन योर टीचिंग लर्निंग पीरियड, दैट इज योर सोर्स मटेरियल, ओके? मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, अलग अलग मेथड रहने वाले हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज वाली मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा दू, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टीचिंग स्ट्रेटजी की क्लास, बुक से नहीं है पर्टिकुलर, मैंने जब हमें टास्क करवाया गया था NSTI कालीकट में तो हम सभी को एक एक मॉडल दिया गया था कि आप कोर्स को डिजाइन करो, तो मैंने विश्लेषण किया कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो आधा है, लॉविस एंडरसन ने जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी उसने रिवाइज करी तो उसमें थोड़ी सी कंडीशन रह गई है, वो भी जब वो क्लास आएगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं अभी भी, ठीक है? तो जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने टीचिंग स्ट्रेटजीज को की किया कि यूनिट 4 में ये वाली कमी है और यूनिट 5 में वो वाली कमी है, ठीक है? तो आप एक बार टीचिंग स्ट्रेटजी की क्लास भी देख लेना, मेरा खुद का 3 मंथ का उस पर मैंने अपना टाइम खर्चा है, बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की है उसको, ठीक है? तो होप कि उसको मतलब कि आप भी सीखोगे और आप भी फील करोगे उसको, आप उसको यूज करोगे, ठीक है? टेस्ट एंड इवेल्युएशन कैसे करते हो आप, 2 मेथड में करते हो और क्यों करते हो, जब आपको फीडबैक लेना, जब आपका कोर्स पूरा हो रहा है, करिकुलम पूरा हो रहा है, आपका जो भी पीरियड है ट्रेनिंग का वो खत्म होता है, तब आप टेस्ट करते हो, इवेल्युएशन करते हो, क्यों करते हो आपको पता है, क्यों पर्पज ऑफ टेस्ट आपको पता है, ठीक है? 2 मेथड से करते हो, सबमेटिव से और फॉर्मेटिव, असेसमेंट के बारे में हम भी आगे देखेंगे, ठीक है? तो ये था हमारा कोर्स करिकुलम वर्सेस सिलेबस, ठीक? अगर कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो और लाइव चैट में आप लिख सकते हो, ठीक है? और कमेंट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है? एनी डाउट यू हैव यू कैन राइट डाउन इनटू डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स, आइदर यू आर रिटन इन ऑल्सो कमेंट बॉक्स ऑल्सो, ओके? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल, दिस इज अवर क्लास, आई होप आपको सभी को समझ आया होगा। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप सभी का थैंक यू, PUT रिलेटेड वीडियोस के लिए और कोपा रिलेटेड CSA रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। एक बात और फिर आपको दिल से आभारी हूं मैं कि आपने मेरे सेशन को ज्वाइन किया, ठीक है? थैंक यू आप सभी का ज्वाइनिंग के लिए।